हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा था हमने। हाँ, और हमने पढ़ा था कि उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही क्यों बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक्सिस और सिलेंड्रिक आपका सर्कुलर जो बेस है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद हमने उसमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे कि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा था हमने। कुछ इस तरीके का सिलेंडर था, ये इसकी एक्सिस, ये रेडियस एंड ये इसकी हाइट थी। तो हमने पढ़ा था इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ओके, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, प्लस जो इनके फ्लैट सरफेस एरिया है वो भी ऐड हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ से अगर 2 पाई आर कॉमन लिया जाए तो ये होगा एच प्लस आर। इसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो सुबह लास्ट क्लास में हमने कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब हम वॉल्यूम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और हम सरफेस एरिया का डिस्कस कर लेते ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट इज डिवाइडेड अलोंग इट्स एक्सिस वर्टिकली, एक्सिस वर्टिकली। द इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज, ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द थर्ड ऑप्शन इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर है, इसकी रेडियस हमें गिवन है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो हमें अब इसको हमने क्या किया है कि वर्टिकली एक्सिस से डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद में टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम अभी इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, जो दोनों बेस है उनका एरिया। तो यहाँ से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लूँगा तो ये बनेगा एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22 बाई 7, एंड रेडियस है हमारे पास 7 और हाइट है 14, तो 14 प्लस 7 तो ये हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 इंटू 21, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला गया है, इस सिलेंडर को यहाँ से कट करना है। तो अगर मैं इसको कट करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से मुझे इससे कट करना है। तो जब मैं कट करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मुझे मिलेगी, ठीक है। तो जब मैंने इसको इस तरीके से कट किया है तो डिफरेंस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया और ये ऊपर वाले जो हम और नीचे वाला जो हमारा सर्कुलर बेस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एक एरिया इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज एरिया कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, हाइट तो वही है, हाइट 14 सेंटीमीटर है, ओके हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा पूरा डायामीटर, ये 7 है और ये भी 7 है। तो मैं बोल सकता हूं जो इंक्रीज्ड एरिया है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, जैसे ये वाला पार्ट हुआ है इसी तरीके से एक पार्ट और होगा, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट इधर होगा ये और एक पार्ट इधर होगा। तो जिस तरीके ये एक रेक्टेंगुलर फेस होगा, रेक्टेंगुलर फेस होगा जिसकी हाइट हमें लेंथ हमें पता है, ब्रिथ हमें पता है। तो ये है 14 और ये भी 14 हो जाएगा, तो 14 इंटू 14 और दो फेस ऐसे मिलेंगे हमें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 14 और यानी कि 2 इंटू 196, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें फाइंड करने की, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, हम यहीं से इसको सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल सॉलिड। फाइंड फर्स्ट the total surface area and second volume of the cylinder so formed। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है,
30 सर्कुलर प्लेट्स से, सर्कुलर प्लेट से रेडियस उन प्लेट्स की दे रखी 14 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है प्लेट की वो दे रखी 3 सेंटीमीटर। इनको वन बाय वन हमने पुट किया एक के ऊपर एक, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगी ये। तो जब वन बाय वन हम इसको पुट करेंगे ऊपर तो एक सर्कुलर सॉलिड हमें मिलेगा। अब थिकनेस ऑफ वन प्लेट, एक प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अगर एक प्लेट की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है तो 30 प्लेट्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस ऑफ 30 प्लेट्स ये हो जाएगी 30 × 3 यानी कि 90 सेंटीमीटर। इसका क्या मीनिंग है, जब आपने इसको वन बाय वन प्लेस किया तो ये जो सिलेंडर फॉर्म होगा इसकी टोटल हाइट कितनी होगी 30 सेंटीमीटर की, और जो सिलेंडर का बेस है वो सर्कुलर प्लेट ही है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जो प्लेट की रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें हाइट मिल गई, हमें रेडियस मिल गई, बस हमें ये दोनों ही पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं TSA निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए। तो चलिए वन बाय वन हम आंसर सोल्व कर लेते हैं। द टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA इक्वल टू क्या होगा, 2πr मल्टीप्लाई बाय h प्लस r। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 14, हाइट कितनी है 90 और रेडियस है 14। इसको सोल्व करेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 और ये हो जाएगा 104। जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा मिलेगा हमें 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म, जो ये सिलेंडर मिला है हमें इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मीन्स 14 × 14 एंड हाइट इज 90 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55440 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स है। अगर TSA की बात करें तो TSA आएगा 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम आएगा 55440 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर ब्रॉड can be curved to form the lateral surface of a right circular cylinder in two ways by rolling along its length and breadth difference between
डिफरेंस बिटवीन difference between the volume of two cylinder thus formed is option हमें given है. first option है 200 centimeter cube, second option है 210 सेंटीमीटर क्यूब एंड थर्ड ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड फोर्थ ऑप्शन है 252 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए तो क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर ब्रॉड कैन बी कर्व्ड टू फॉर्म द लेटरल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. मतलब एक शीट है, उसको हमने एक बार तो लेंथ के अलोंग रोल किया है और एक बार ब्रेथ के अलोंग रोल किया है, तो दोनों टाइम पे एक सिलेंडर फॉर्म होगा. तो उन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम एक शीट बनाएंगे, रेक्टेंगुलर शीट. रेक्टेंगुलर शीट के पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड 12 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है. ठीक है, तो हम इसे एक बार अलोंग द ब्रेथ रोल करेंगे और एक बार अलोंग द लेंथ रोल करेंगे. तो फर्स्ट केस लेते हैं, केस वन, जब हम इसे ब्रेथ के अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, अलोंग द रोल्ड अलोंग द ब्रेथ. जब इसको मैं ब्रेथ के अलोंग रोल्ड करूंगा तो जो हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा, जो इसकी लेंथ है वो इसकी हाइट बन जाएगी 22 सेंटीमीटर. तो इस केस में इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. अब अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें आर की रिक्वायरमेंट है. तो सर ये जो 12 सेंटीमीटर होगा ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आर की 12 अपॉन 2 पाई सेंटीमीटर. ओके, तो इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे. यहां से वॉल्यूम इज इक्वल इस वाले केस का वॉल्यूम आ जाएगा V1, लिख लेते हैं हम इसको, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 पाई R1 स्क्वायर, इसको भी हम R1 डाल लेते हैं, R1 स्क्वायर H. तो यहाँ से पाई R की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 2 पाई. तो 12 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 2 पाई और हाइट हमें कितने गिवन है, 22. ठीक है, एक पाई से ये पाई कट जाएगा और 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं पाई की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ये भी 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा 6 और 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 22, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 252 सेंटीमीटर क्यूब. तो फर्स्ट केस का हमें वॉल्यूम फाइंड हो गया है, अब हम फाइंड करेंगे सेकंड वाले केस का, केस टू. केस टू क्या है, केस टू है रोल्ड अलोंग, केस वन में हमने अलोंग द ब्रेथ इसको रोल्ड किया था, अब हम कर रहे हैं अलोंग द लेंथ. जब अलोंग द लेंथ हम इसको फॉर्म करेंगे, लेंथ के अलोंग जब इसको फोल्ड किया तो फिर हमें जो इसकी हाइट मिल जाएगी वो हाइट कन्वर्ट अब हो जाएगी, पहले 22 थी अब 12 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ये मिल जाएगा हमें
22 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू 22 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर 2 इज इक्वल टू 22, और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें आर 2 मिल गई, एच 2 हमें पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम वी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 बाय 2 इंटू 7 बाय 2, और हाइट हमारी कितनी है अभी 12, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये 11 टाइम और 2 से ये 6 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 6, तो 11 इंटू 7 इंटू 6 ये आएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम्स का, तो V2 माइनस V1 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 462 माइनस 252, तो ये आएगा 210 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 210 सेंटीमीटर क्यूब आया है तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज 628 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कर लीजिए इसे। द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेडियस एंड लेंथ इज 15 मीटर, द लेंथ बीइंग लार्जर, इफ पाइप वाज क्लोज्ड एट वन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर that it can hold is, तो हमें यह बताना है कि कितना अमाउंट ये होल्ड करेगी, कब हमें दिया क्या है। सबसे पहले तो द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका सरफेस एरिया हमें दे रखा है, और जो पाइप है दोनों एंड से ओपन है, तो कुछ इस तरीके का पाइप होगा ये, मान लेते हैं लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू एल एंड रेडियस इज इक्वल टू आर, दोनों मीटर में हमने अज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमें जो इसका सरफेस एरिया दे रखा है वो 628 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये इसकी रेडियस आर है और ये एल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों एंड से ओपन है, तो इसके फ्लैट सरफेस एरिया को तो काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ
पाइप इज इक्वल टू 628 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं फॉर्मूला देखूं सरफेस एरिया का तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 628। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेंथ इसकी हमने अज्यूम किया है लेंथ एल रेडियस आर, और हमें ये दे रखा है कि जो लेंथ और रेडियस की डिफरेंस है वो कितनी है, 15 मीटर है, 15 मीटर है इसकी डिफरेंस, और लेंथ को हमें बड़ा लेना है, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल माइनस आर शुड बी 15, एल माइनस आर शुड बी 15, सो एल इज इक्वल टू 15 प्लस आर। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच जो हमारी हाइट है वो हमने लेंथ ही ली है, ये हो जाएगा 15 प्लस आर इज इक्वल टू 628। ओके, अब इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा 314। तो और पाई की वैल्यू को मैं 3.14 यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो 3.14 आर 15 प्लस आर इज इक्वल टू 314। हम 22/7 भी ले सकते थे लेकिन इधर मुझे 314 दिख रहा है तो आसानी होगी कि हम 314 इसको ले 3.14 ले लें, इससे आसानी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 15 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 100, तो इसको हम इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 15 आर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिट करके सोल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 आर माइनस 5 आर इज माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा r प्लस 20, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा r प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से r प्लस 20 कॉमन आ रहा है तो r प्लस 20 r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और माइनस 20। अब दो वैल्यू हमारे पास आई है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर हम देखें r क्या है, r एक लेंथ है, r क्या है रेडियस, रेडियस इज अ लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो r शुड बी 5 मीटर। अब अगर r 5 मीटर है तो फ्रॉम इक्वेशन टू हम l की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो l कितना हो जाएगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ओके, तो 15 प्लस 5 20 हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि कितना क्लोज एट वन एंड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इट कैन होल्ड, यानी कि वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 और एच है 20। तो ये सोल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा यहाँ से, ओके, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1570 मीटर क्यूब। तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, इतना वाटर इसमें आ सकता है, ठीक है। अब अभी तक हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, राइट सिलेंडर के बारे में, राइट सिलेंडर का हमने टोटल सरफेस एरिया देखा, कर्व्ड सरफेस एरिया देखा, वॉल्यूम देखा। सिलेंडर में एक कंसेप्ट और है, होलो सिलेंडर। तो ये होलो सिलेंडर है क्या, ये एक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म्ड बाय टू
कोएक्सियल सिलेंडर्स विद सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडियस। ठीक है, तो एक ऐसा सॉलिड जो कोएक्सियल सिलेंडर से दो उनको मिला के बनाना है और जिनकी हाइट सेम है और रेडियस जो है डिफरेंट है, कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ इस तरह का सॉलिड होगा। यह है कोएक्सियल सिलेंडर्स जिनकी एक्सिस जो है सेम है लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। अगर बात करूं तो ये छोटी वाली रेडियस को हम ले लेते हैं स्मॉल आर और बड़ी वाली को ले लेते हैं कैपिटल आर। हाइट दोनों सिलेंडर्स की सेम होगी, हाइट दोनों सिलेंडर की सेम होगी। यहाँ ये यहाँ से ये सॉलिड होगा और ये होलो इसलिए बोले क्योंकि ये अंदर से खाली है, खोखला है। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे रबर पाइप जो होता है, जो पाइप जिससे हम पानी वगैरह डालते हैं, वो भी क्या होता है, कुछ उसकी थिकनेस होती है, अंदर की रेडियस अलग होती है, बाहर की रेडियस अलग होती है और अंदर से खाली होता है, इसलिए उसको हम होलो सिलेंडर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो एंड है, इस एंड का हम निकाल सकते हैं एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया भी दो होंगे, एक तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। फिर हम टी ए से भी इसका फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ एंड्स। ठीक है, एरिया ऑफ एंड्स जो आपके एंड्स हैं, जो फ्लैट सरफेस हम जिन्हें बोल सकते हैं, उन एंड्स का एरिया। तो एंड्स का एरिया होगा पाई बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से पाई कॉमन लिया तो आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बात करें इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया जो इनर वाला सर्कल है उसकी रेडियस आर है तो इनर सरफेस एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर सिलेंडर के सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा। इसी की तरह हम आउटर सरफेस निकाल सकते हैं, आउटर सरफेस एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। हाइट दोनों की सेम है इसलिए हाइट सेम रहेगी। इसके बाद अगर हम टी ए से फाइंड करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड्स, एरिया ऑफ एंड्स, एंड्स का जो एरिया होगा ये ऊपर भी सेम होगा और नीचे भी सेम होगा, इसलिए हम इस वाले को दो बार कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से पूरे में से हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आर एच प्लस कैपिटल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला वैसे लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लर्न कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे और इंडिविजुअल निकाल के वहां पे उसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका,
जो आउटर सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बीच वाला मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्क्वायर एच, तो पाई एच कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये होलो सिलेंडर के फॉर्मूलाज है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। A metal pipe is 77 centimeter long the inner diameter of a cross section inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter. तो find करना है हमें first inner curved surface area सेकेंड फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड थर्ड हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए वन बाय वन सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके हम पेरीमीटर्स देखते हैं। पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है 77, तो लेंथ हमें दे रखी है 77 सेंटीमीटर। इसके बाद में डायामीटर, इनर डायामीटर कितना है, इनर डायामीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला में सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम अगर डायामीटर 4 है तो इनर रेडियस निकाल लेंगे, इनर रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद में आउटर डायामीटर हमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस भी हम फाइंड कर सकते हैं, आउटर रेडियस हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस मिल गई, लेंथ हमें पता है, तो अब हम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इनर रेडियस यूज कर लेंगे, तो ये 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22 बाय 7 और रेडियस की वैल्यू है 2 एंड हाइट इज 77, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11 और ये सभी सेंटीमीटर में ही है, तो इसको सोल्व करने पे ये आंसर हमें मिलेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमें सेकंड फाइंड करना है आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस
एरिया, आउटर सरफेस एरिया के लिए बाहर वाली रेडियस को यूज कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू 22 बाई 7, एंड जो बड़ी वाली रेडियस है बाहर वाली उसकी वैल्यू है 2.2 इंटू, हाइट वही सेम पहले जितनी थी 77, तो ये भी 11 टाइम कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 2.2 मल्टीप्लाई बाई 11। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इनर सरफेस एरिया मिल गया, आउटर सरफेस एरिया मिल गया। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस जो आपके एंड्स है उनका एरिया। तो थर्ड हमें फाइंड करना है अब TSA। तो TSA फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ एंड्स निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ एंड्स निकालने के लिए हमें करना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर है हमारा 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको हम दो बार इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्व करने पे आएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें TSA फाइंड करना है, तो TSA इन सभी का समीशन होगा। आउटर सरफेस एरिया कितना है 1064.8 प्लस 968 प्लस 5.28, तो जब इसको सोल्व करेंगे ऐड करने पे वैल्यू मिलेगी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे को होलो सिलेंडर का इनर आउटर और टोटल सरफेस एरिया मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर होलो सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस आर एंड थिकनेस ऑफ वॉल टी एंड लेंथ लैम्डा, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अबव सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द अबव सिलेंडर इज गिवन बाय, ऑप्शन हमें गिवन है 2 पाई लैम्डा आर स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2 पाई आर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 2R प्लस 1, ऑप्शन सी है 2 पाई लैम्डा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है 2 पाई आर लैम्डा टी प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, कंसिडर है होलो सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस R एंड थिकनेस हमें दे रखी है T, होलो सिलेंडर है तो जो वॉल है उसकी थिकनेस हमें क्या दे रखी है टी, और लेंथ हमें दे रखी है लैम्डा। तो अगर यहाँ से मैं इसके पेरीमीटर्स एक बार देखूँ तो क्या आएंगे, लेंथ है लैम्डा, लेंथ क्या है लैम्डा, और इनर रेडियस क्या दे रखी है आर,
और थिकनेस क्या दे रखी है, थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस है टी। अगर थिकनेस टी है तो आउटर रेडियस कितनी होगी, आउटर रेडियस हो जाएगी आर प्लस टी यूनिट की। ठीक है, हमें सारे पैरामीटर्स मिल गए, इनर रेडियस मिल गई, आउटर रेडियस मिल गई, लेंथ मिल गई, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। हम यहाँ इसको ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई एच कॉमन ले लिया यहाँ से, और एच की वैल्यू हमें क्या है, लेमडा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, पाई एच की जगह आ जाएगा लेमडा और आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर प्लस टी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा पाई लेमडा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टू आर टी माइनस आर स्क्वायर। आर प्लस टी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो माइनस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा पाई लेमडा टू आर टी प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से t हम कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, पाई लेमडा t, तो ये हो जाएगा 2r प्लस टी। ये हमारा फाइनल आंसर आया, लेकिन ऐसा ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर अब क्या करें। देखिए ऑप्शन में अगर देखें तो 2π सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2π है। अगर उसके अलावा देखें हम, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ मुझे 2π के साथ r भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑप्शन को 2r से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2r से डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये 2πr लैम्डा t, और अंदर डिवाइड कर दूंगा मैं इस वैल्यू को 2r डिवाइड बाय 2r प्लस t अपॉन 2r। ठीक है, ये मुझे इसलिए मिला क्योंकि यहाँ ऑप्शन में डिवाइड बाय 2r भी आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2πr लेमडा t 1 प्लस टी अपॉन 2r। तो अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, एंड्स का सरफेस एरिया फाइंड किया, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है,